Good afternoon to all of you. I am Geeta Bajwa from Polis Institute. Last video में हमने sources of Indian Constitution पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा Constitution है, उसमें 60% जो provisions हमने add किए, वो हमने Government of India Act 1955 से add किए. मैंने आपको last video में बताया कि मैंने USA की, हमने USA, Britain की countries से हमने क्या provisions लिए और अपने Constitution में add किए. आज हम पढ़ेंगे कि हमने कनाडा, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, जर्मनी, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया इन सब कंट्री से क्या प्रोविजंस लिए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए. लेट्स स्टार्ट. कनाडा, कनाडा से हमने लिया फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें एक सेंटर होता है, स्टेट होता है और सेंटर में होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स जिसपे सेंट्रल लॉ बनाएगा और जो हमारा स्टेट है स्टेट लॉ बनाएगा. तो हमने कनाडा से हमने जो प्रोविजंस ऐड किए, हमने वो प्रोविजंस लिए जिससे हमने हमारे सेंटर को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, वो प्रोविजंस हमने कनाडा से लिए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए. अब जो हमने सेकेंड टॉपिक जो हमने कनाडा से लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, वो था रेजिडुअरी पावर ऑफ द सेंटर. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एक होती है यूनियन लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट वो होती है जिसमें सेंट्रल लॉ बनाता है और कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसमें स्टेट लॉ बनाता है. मान लो कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूनियन लिस्ट में भी नहीं आ रहा और वो कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं आ रहा, तो वो जो पावर आती है हमारे सेंटर के पास, अब उस पावर को हम बोलते हैं रेजिडुअरी पावर विद द सेंटर. मीन्स उस सब्जेक्ट पर जो लॉ बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा सेंटर के द्वारा. थर्ड जो हमने प्रोविजन लिया वो था अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय गवर्नमेंट. तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट. तो ये सारा प्रोसीजर हमने कनाडा से लिया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया. अब हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में. ऑस्ट्रेलिया से जो हमने ली है कॉन्करेंट लिस्ट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें स्टेट लॉ, स्टेट भी लॉ बना सकता है और चाहे हमारा सेंटर भी लॉ बना सकता है. अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि एजुकेशन आपका कौन से लिस्ट में आता है, एजुकेशन हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है. हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, उस पर भी हमारा सेंटर भी बना सकता है चाहे और हमारा स्टेट भी बना सकता है. सेकेंड टॉपिक जो हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से वो था जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक बिल होता है जो हमारी लोकसभा में आता है, फिर वो बिल पास होकर राज्यसभा में आता है, फिर वो बिल हमारे प्रेसिडेंट के पास जाता है, उनकी सिग्नेचर होते हैं और फिर वो बिल एक लॉ में कन्वर्ट होके हमारे लागू होता है. लेकिन कभी ऐसी स्टेट भी आ जाती है जिसे हम बोलते हैं डेडलॉक स्टेट. मीन्स वो बिल पास ही नहीं होगा ना लोकसभा से ना राज्यसभा से. मान लो लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा से नहीं हुआ, तो एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है जो हमारे प्रेसिडेंट बुलाते हैं. उस जॉइंट सिटिंग में हमारी राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा के मेंबर दोनों के दोनों बैठे होते हैं और उस मीटिंग को जो प्रिसाइड करते हैं वो करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा. ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है कि जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है. जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा. तो जो जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस का प्रोसीजर हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया. थर्ड जो हमने टॉपिक लिया वो था फ्रीडम ऑफ ट्रेड. फ्रीडम ऑफ ट्रेड मीन्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को कितनी फ्रीडम मिलनी चाहिए, ये सारे प्रोसीजर जो था हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया. यूएसएसआर मीन्स रशिया. रशिया से जो हमने ली फंडामेंटल ड्यूटीज विच आर 11 नंबर. ये ड्यूटीज सिटीजन्स के लिए होती है, यानी हमारे लिए. एक तो हमें फंडामेंटल राइट्स मिली हैं जो हमने यूएसए से ली और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की. लेकिन अगर हमें फंडामेंटल राइट्स मिली हैं तो हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए एज सिटीजन ऑफ अ कंट्री. तो वो हमने यूएसआर से ली और हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया. साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका से जो हमने लिया प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स अगर हम कोई हमने अमेंडमेंट करना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आर्टिकल 368 में मेंशन है. मीन्स आर्टिकल 368 में पूरा प्रोसीजर मेंशन है कि हमें किसी की एक आर्टिकल के अंदर हमें कैसे
अमेंड करना है, क्या एडिट करना है, क्या ऐड करना है, वो सारा प्रोसीजर हमने ऑस्ट्रेलिया सॉरी साउथ अफ्रीका से लिया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। सेकेंड जो हमने लिया इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। अब राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है, बेसिकली एक होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन और होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। जैसे डायरेक्ट इलेक्शन हमने अभी देखे जो जनरल इलेक्शन हुए वो डायरेक्ट इलेक्शन थे, लेकिन जो राज्यसभा में जो इलेक्शन होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो वो सारा प्रोसीजर कैसे होता है, कैसे राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं, वो सारा प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीका से लिया। आयरलैंड से हमने जो लिए टॉपिक्स वो लिए थे डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पेपर में आता है कि जो डीपीएसपी है हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए। तो डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जो इलेक्शन हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है कैसे उन्हें इलेक्ट किया जाता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था एक डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट होता है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होकर आते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर हमने आयरलैंड से लिया। थर्ड जो हमने लिया नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स टू राज्यसभा बाय द गवर्नमेंट। जैसे लोकसभा में क्या होता है, दो जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन राज्यसभा में क्या होते हैं 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं और वो हमारे राज्यसभा में बैठते हैं और उन प्रोसीडिंग्स को देखते हैं। तो नॉमिनेशन जो हुए इन 12 मेंबर्स का कैसे होता है, कैसे सेलेक्ट होके वो राज्यसभा में आके बैठते हैं, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर देखा, ये सब नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं और ये सेलेक्ट होकर आते हैं हमारे प्रेसिडेंट से इनटू राज्यसभा। सो ये सारा प्रोसीजर जो है हमने आयरलैंड से लिया और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। लास्ट हमने जर्मनी से क्या लिया, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इमरजेंसी प्रोविजंस जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए, लेकिन वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने क्या लिया, मैंने आपको बताया था इमरजेंसीज के बारे में। अब जब इमरजेंसी लगती है जैसे 1975 में इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, तो इमरजेंसी के टाइम में क्या होता है, हमारी कौन सी राइट हमसे छीन ली जाती है, कौन सी राइट हमसे सस्पेंड हो जाती है, तो ये सारा प्रोसीजर हमने वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, वहां से हमने तीन वर्ड्स दैट इज लिबर्टी फ्रटर्निटी ये सब वर्ड्स हमने दिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए। तो आई होप मैंने आपको ये टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा समझा दिया, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।